धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जो आम जन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इस विषय को लेकर आज कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र ममगई शैली, जो कि थानेसर ब्लॉक कोरोना कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, उन्होंने विशेष जानकारी दी। आज कुरुक्षेत्र जिला में हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम थोड़े निश्चिंत से हो गए हैं और इससे बचाव के जो हमें तरीके अपनाने चाहिए उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ की साथ जो सफाई और स्वच्छता ध्यान रखें, इनसे हम दूर हो गए हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि कोरोना बीमारी का मुकाबला करें, जो जो मैंने आपको रास्ते बताए उनका पालन करें और इस बीमारी को इस देश से ऐसे दूर भगाएं जैसे हमारे देशवासियों ने 1947 में अंग्रेजों को भगाया था, और इससे डरे नहीं। डॉक्टर साहब, एक शहर में एक भ्रांति है, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो इस समय वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है, लोगों को टीकाकरण को लेकर कुछ कहीं जागरूकता कहीं कमी है। अभी भी कुछ बुजुर्गों को रहता है कि उनको पता नहीं कि टीका लगवाना कैसे है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना, उसका सही प्रोसीजर क्या है। देखिए, इसकी एक साइट है www.selfgovernmentin करके, उस साइट पे अप्लाई करें आप, और अप्लाई करके आपको मैसेज आएगा कि आपने जहाँ टीका लगवाना है वो जगह आप डिसाइड कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। हमारे LNJP अस्पताल कुरुक्षेत्र में टीका लग रहा है, निःशुल्क लग रहा है। तो जो 40 से 59 साल के लोग हैं उनको एक भी इस बीमारियों की सूची है, जैसे रक्तचाप हो गया, मधुमेह, सिकल सेल एनीमिया, स्ट्रोक हो गया, धड़कन का अटैक हो, ऐसे कुछ 20 बीमारी हैं। अगर उनमें से कोई बीमारी है तो उनको लगेगा, या 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी हैं, चाहे स्वस्थ हैं चाहे अस्वस्थ हैं, उन सबको टीका लगेगा। इस टीके का आप लाभ उठाएं, जो जो सरकार के इंस्ट्रक्शन का फॉलो करें। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मान लो किसी साइट पे अप्लाई नहीं किया और वो सीधे आ जाते हैं, जैसे कई बुजुर्ग ऐसे भी जिनको अप्लाई नहीं करना आता है, आज भी आज के दौर में वो एंड्रॉयड फोन नहीं रखते, नेट इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो सीधे अस्पताल में आते हैं तो उन्हें टीका लग जाएगा? नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, सरकार कंपलसरी है, इसलिए कंपलसरी है, क्योंकि उसी में मैसेज आएगा और हम उसी दिन सर्टिफिकेट भी यहीं से देते हैं कि आपको पहला टीका लग गया है, प्रोविजनल, दूसरा लगने का फाइनल देते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से, लगभग एक हफ्ते से, कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कोरोना एक बार पूरी तरह से थम गया था, इसका क्या कारण है? ये देखिए, जैसे ही कोरोना के केस कम हुए हम निश्चिंत हो गए, शादियां में लोगों ने इकट्ठा शुरू कर दिया, हम बाजारों में जाते हैं लोगों ने मास्क लगाने बंद कर दिए, मैं अस्पताल में लोगों को कहता था कि मास्क लगाओ, मेरे को देख के डर के मारे लगा लेते थे, मैं चाहता हूँ लापरवाही हो गए थे कि अब कुछ नहीं सकता, कोरोना चला गया, दुश्मन जब तक बहुत दूर ना चला जाए तब तक जाए ना समझना चाहिए, कोरोना हमारा दुश्मन ही है मानवता का, तो ये दोबारा आ गया, देख लिया आप, क्योंकि आपने इसको दूर तक नहीं छोड़ा, खदेड़ा नहीं इसको। तो मेरी जनता से अपील है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतें, जिन जिन को इसके वैक्सीन लगनी है वो समय पर लगाएं, और अब परसों तो एक 93 साल की लेडी ने भी टीका लगवाया था, तो मेरे विशेष बुजुर्गों से निवेदन है कि वो ज़्यादा इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधी क्षमता युवा लोगों की अपेक्षा कम होती है। एक इस टीकाकरण को लेकर ये भी कहीं धारणा बनती जा रही है कि शायद इसका फायदा है या कोई फायदा नहीं है, तो क्या ये फायदेमंद है पूरी तरह से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई? देखिए, पहले हम किताब, जब मैं MBBS करता था, हम उससे पहले हम पढ़ते थे कि प्लेग से गांव के गांव साफ हो गए, पोलियो होता था लोगों को, कई गांव में अधरंग हो गया, चला गया, लोग बड़े उससे परेशान हुए। हम देखिए, पोलियो हमारे लगभग विश्व से समाप्त हो चुका है, फिर भी इसके बाद भी थोड़ा बहुत जो उसके लिए हर्षल प्रयास होते हैं, चेचक खत्म हो गया, DPT पोलियो, DPT के टीके लगाते हैं, हम देखो डिप्थीरिया केसेस नहीं मिलते हैं। तो वैक्सीन का तो लाभ ही है, वैक्सीन बिल्कुल ऐसे है जैसे आप भगवान की पूजा करते हो या ट्यूशन रखते हो पढ़ने के लिए, या अच्छे या सुलेख लिखते हो, अच्छे नंबर आते हैं उससे, तो लाभ ही है, वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। जैसे किसी को चोट लग जाए लोग टेटनस का टीका लगवाते हैं, खुद ही कहते हैं मेरे को टेटनस का टीका लगा दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हम कह रहे हैं कोरोना का एक दूसरा चक्कर चल रहा है, तो इसकी संभावना कब तक हम मान सकते हैं, बतौर चिकित्सक आपका क्या अनुमान है कि कब तक खत्म होने की इसकी संभावना है? देखिए, हमें तो ये लगता है कि कम से कम आप ये मान के चलो, अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, क्योंकि वायरल डिजीज आई है और ये दुश्मन हमें दिख नहीं रहा है, जो दुश्मन दिखता नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय उसके जो दिख रहा हो, तो इसको ये ना माने, चुका हुआ है, छुपा हुआ दुश्मन ज़्यादा नुकसान करता है, पीठ के पीछे वार करता है, सावधानी जरूरी, सावधानी बरतें, सबसे ज़्यादा सावधानी है, और जिन जिनको टीका लगना है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। थैंक यू सर।